रामायण जिते भितर को जीवा से नुआ नुआ कहानी पदा को आसब से सुपर्णेखा कथा टिके निरा तेरे रामायण युद्ध पर सुपर्णेखा कड़े गले के पुनर्जन्म है अनेक जन जाणी ना सुपर्णेखा थे रावण को छोट भी जी राम को बहुत करने को चाहूंगे किंतु लक्ष्मण सुपर्णेखा उदंडता को देख रागे नाक कान काटिदे जोठू आरंभ होता रामायण से सीता अपहरण और लंकापुर ध्वंसर कहानी रामायण युद्ध पर सुपर्णेखा पुष्कर पलाइले कहीं आर जन्म भगवान विष्णु को पति रूपे पाई तेणु से 10,000 वर्ष पर्यंत भगवान शिव को आराधना करते भगवान शिव तांको पूजा रे संतुष्ट हो बरदे कहते भगवान विष्णु द्वापर युगर श्रीकृष्ण अवतार ने से तुम मिलन हो ब्रह्मा व्यवर्त पुराण अनुसार सुपर्णेखा आर जन्म कुब्जा रूप से करते जन्मग्रहण से तीन आड़ बंका श्रीकृष्ण प्रथम थर पर स्पर्श कर ठीक करदे यापर कुब्जा श्रीकृष्ण को आलिंगन कर आध्यात्मिक रूप से पति रूपे मानि नहीं प्रभु श्रीराम सुपर्णेखा को कथा देते आर जन्म पाख को निश्चिंत आसबे एक कथा माता सीता जाणीपर रागिजाई कही सबु जन्म मो पति मोठू अलग करने को चेष्टा करने को चाहूबू भगवान करतु आर जन्म कुब्जा हो जन्म निता वचन सुपर्णेखा कुब्जा हो जन्म होते भगवत पुराण अनुसार सुपर्णेखा पुनः जन्म राजकुमारी नयनतार रूप से जन्मग्रहण करते जहां पिलादिनु जनाथिला जे भगवान श्रीकृष्ण सहित मिलन से जन्म नहीं बड़ हेलापर श्रीकृष्ण बहुत संपन्न होता से हीपरी राजस्थान लोक कथा अनुसार लक्ष्मण सुपर्णेखा नाक कान काटिव पर जन्म बहुत करा किंतु बहुत शेष हो पार ना किछि वर्ष पूर्वे लक्ष्मण राजस्थान बाबूजी नाम जन्म नहीं सुपर्णेखा जन्म फूलवती नाम जन्म होता तेरे बाबूजी माता कथा देते समस्त गाई को रक्षा करेंगे किंतु सुपर्णेखा और लक्ष्मण बहुत अधा होता जाने बाबूजी महाराज रावण रूप से बाबूजी गाई को चोरी कर गाई उद्धार करने को जा बाबूजी मृत्यु होता फल जन्म भी सुपर्णेखा रूपी फूलवती भगवान पत्नी हो पारे ना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।